हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिल्पा है और मैं घर से ही क्लाउड किचन का काम करती हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया, बिकॉज़ नवरात्रे में मेरा काम बंद हो गया था। रीज़न था कि नवरात्रे में हमारे यहाँ लहसुन प्याज ये सब नहीं बनता है और फलहार का खाना बनता था, फास्ट वाला, तो इसी वजह से। तो आज मैंने मेरे को डिमांड आया था कि कुछ लोगों को चिकन खाना था मेरे हाथ का, तो आज वेज मेन्यू नहीं था, आज नॉन वेज था। तो जैसा कि ऑर्डर आया था वैसा मैं बना रही थी। तो ये सबसे पहले मैं पेपर चिकन बना रही हूँ, जो कि काफ़ी सिंपल है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है और इसमें चिकन, पेपर, सॉल्ट एंड थोड़ा चाट मसाला और आमचूर पाउडर डाल के इसको बस लो फ्लेम पे कुक करना होता है और ये रेडी हो जाता है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मैं प्रॉपर इसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो भी आपको रेसिपी चाहिए होगा, प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना काम, बट सच बताओ तो थोड़ा सा क्या होता है ना, जब आप ट्रैक पे चलते हो ना, काम करते रहते हो तो वो आपकी हैबिट हो जाती है। लेकिन अगर आप बीच में लाइक गैप ले लेते हो, छूट जाता है कोई काम, तो फिर ना थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि नवरात्रा के बाद फिर मुझे वायरल हो गया था, तो मैं 1 वीक तो बीमार ही रही। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को ये करा कि नहीं, अब करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ऑर्डर आने लग रहे थे और कुछ लोगों को लग रहा था कि मेरा किचन भी क्लोज, तो मैंने नहीं कर दिया। तो अगर आपके मन में जो भी मेरे कंफ्यूजन है, अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है क्लाउड किचन के लिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो। मैं बता दूं कि आप लोग भी घर से क्लाउड किचन का काम कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। और ऐसा क्या होता है ना, ये काम पैसे तो चलो आ जाते हैं, बट क्या है ना, खुद को बिज़ी भी रखना ज़रूरी है। तो मुझे पसंद है कि मैं चलो कुछ ना कुछ करते रहूं, और इधर मैं जल्दी से आपसे बात भी कर रही हूं और चिकन ग्रेवी बना रही हूं उसके साथ। मैं चिकन ग्रेवी भी सूट कर रही हूं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर और इसके साथ मैं राइस बनाऊंगी। तो आज जनरली पेपर चिकन है और मसाला करी चिकन, बिल्कुल घर वाली, सिंपल और टेस्टी। और उसके साथ राइस एंड सम सैलड है। तो अभी बज रहे हैं 12, तो मेरा जो ऑर्डर है वो 2 बजे का है, तो मैं इस हिसाब से जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो मैं कह रही थी कि आप लोग घर से अपना क्लाउड किचन का काम ईजिली वे में स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप करना चाह रहे हो तो। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, क्वेरी हो, तो अगर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं कुकिंग के साथ साथ क्लीनिंग भी करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आप ज़्यादा कुक कर लो और फिर पूरा किचन गंदा हो जाता है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं एक क्या करती हूँ ना कि कुकिंग के साथ साथ क्लीनिंग का भी पूरा ध्यान रखती हूँ, ताकि किचन क्लीन भी दिखता जाए और मुझे काम करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि अगर किचन गंदा होता है, सामान इधर उधर बिखरे होते हैं ना, तो काम करने में मज़ा भी नहीं आता है। तो ये देख सकते हो, मैंने जल्दी जल्दी से चिकन बना लिया है और मेरी चिकन तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, पहले मेरे हस्बैंड को भूख लगी है तो मैं उनको सर्व कर दूँगी, फिर मैं खाना पैक कर दूँगी। तो आज मैंने बनाया था राइस चिकन एंड पेपर चिकन विथ सैलड एंड रायता। तो जो मेरे लाइक कस्टमर हैं, वो लोग पिक करने आएंगे 2 बजे, तो वो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। मैं इसके बाद उनको सर्व करूँगी। अब मैं शाम की तैयारी में भी लगने लग रही हूँ, क्योंकि शाम को मुझे कुछ वेज बनाना था, तो मैंने मिक्स वेज बनाई थी। और ये मैं पहले अपने बेबी के लिए रात का डिनर तैयार कर रही हूँ। आप सोचोगे क्या बना रही हूँ, तो मैं चीला बना रही हूँ, उसमें वेजीज डाल के, और कभी कभी मीठा भी बना देती हूँ। तो आज मैं मीठा बना रही हूँ, क्योंकि उसे थोड़ा कभी कभी मीठा खाने की क्रेविंग होती है। है तो वो बहुत छोटा, बट मुझे समझ में आ जाता है कब उसे क्या खाना है। तो ये मैंने जल्दी से चीला बनाया और फिर मैं अपना क्लाउड किचन का काम स्टार्ट करूँगी। तो ऐसा मेरा कुछ आज का दिन रहा, काफ़ी टायरिंग भी था,
और पूरा दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। थैंक यू।